तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग अगर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लें। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा प्रोफाइल वाला, ठीक है। ये आपको देख सकते हो यहाँ पर, ये प्रोफाइल वाला आइकन ये आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है एक बार, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, 3 लाइन है जो, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, ठीक है। यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, इसको करना ओके। और यहाँ पर आपको ये अकाउंट सेंटर का ऑप्शन यहाँ पर ये मिल जाता है, ये वाला, इस पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, क्लिक कर देना है। और देन इतना करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आ चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ये पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर अकाउंट और ओनरशिप एंड कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिख के आ रहा है डीएक्टिवेट और डिलीट, यानी कि यहाँ से आप लोग डीएक्टिवेट और डिलीट भी परमानेंटली कर सकते हो। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, इस पर आपको कर देना है क्लिक। और देन इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो अकाउंट है आपका ये सिलेक्ट कर लेना, जिस भी अकाउंट को आपको डीएक्टिवेट करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग को बता देना है कि भाई डीएक्टिवेट अगर करना है तो यहाँ से ये वाला ऊपर चूज़ करना है, और अगर डिलीट करना हो तो ये वाला कर लेना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो ऊपर वाला है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अपना पासवर्ड आप लोग डाल देना, ठीक है, और आराम से ये ईजिली हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो देख सकते हो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये रीजन आपको बता रहा है कि आप लोग किसके लिए, मतलब कौन सा रीजन है आपका। तो आप लोग यहाँ पर जो थर्ड वाला है, ठीक है, क्रिएटेड ए सेकेंड अकाउंट, ठीक है, ये वाला आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोबारा से यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डीएक्टिवेट का, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डीएक्टिवेट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ ये प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई जो है अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो चुका है, और जो मेरा रियल अकाउंट है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लेना सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को पे प्रेस कर देना, ताकि हमारी ऐसी टेक्निकल वीडियो आपको मिलती रहे और आप देखते रहो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।